चलिए गाइस, आज मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से देखिए मैंने 1 किलो का कद्दू निकाला है। ये देखिए, ये डंठला है और ये यहाँ पे लग रहा था। और आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं मेरा 1.5 किलो का कद्दू निकला है, 1 किलो से ज़्यादा है ये। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ और भी बहुत सारी सब्जी। ये देखिए, इसे रखती हूँ यहाँ पर मैं। ये देखिए, खरपतवार को हटा देना चाहिए। जब हमने दूसरी सब्जी लगा रखी है यहाँ पे, तो मेरी गोभी बहुत सारी यहाँ पे, और भी सर्दियों की सब्जी हो रही है और यहाँ पे अब गोभी बननी स्टार्ट हो गई है इसमें, क्योंकि अब सर्दी चालू हो गई है। मानसून का समय चल रहा है काफ़ी दिनों से। तो इस कद्दू को लेके मैं आपको दिखा देती हूँ और भी कद्दू। तो चलिए, यहाँ पे मेरा साग हर रोज़ निकलता रहता है। साग मतलब हर रोज़ नहीं निकलता, हर रोज़ उगता रहता है, बड़ा 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 होता ही रहता है। ये देखिए, यहाँ पे कद्दू देख सकते हैं, इसी बेल से है। ये भी कटिंग की बेल से उतरा है कद्दू मेरा, और ये जो आप देख रहे हैं, और देखो ये भी कटिंग की बेल से ही मेरा कद्दू है। कटिंग की बेल मैंने इसमें लगाई थी और भी मेरे कटिंग की बेल से हो रहे हैं। बंदर भी खाते रहते हैं और भिंडी और बैंगन देखिए, और घिया तोरी हर रोज़ होते रहते हैं। और मेरी समय से पहले मूली भी उग गई हैं, देख सकते हैं ये मूली उग रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं। और ये देखिए हल्दी है और बैंगन मेरे, इसमें काफ़ी वज़न है, ये मुझसे नहीं उठ रहा है, मतलब 3 उंगलियों से मुझसे नहीं उठ रहा है। और ये देखिए, बीच में गली है और दोनों ओर सब्जियां उग रही हैं और फल फूल उग रहे हैं। इसे मैं रख देती हूँ यहाँ पे। देखिए, ये भी मैंने एक स्टैंड बनाया है, जो कि बची हुई घर में लकड़ी रखी थी। और फ्लावर्स को तो हम मिट्टी में ही डाल देंगे, फ्लावर्स को तो गाइस हम कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। काफ़ी सारा फूल खिला है, काफ़ी अच्छा फूल खिला है, सही रहे जो कि आप इसे टच ना करें। ये आप देख सकते हैं। और नीचे भी देखो, घिया की या फिर तोरी की बेल यहाँ पे या फिर कद्दू की उग रही है। ये देखिए कितनी सारी भिंडी और बैंगन हमारे यहाँ पे खा के रखे हैं बंदरों ने। देखिए तोरी भी काफ़ी सारी लग रही है, और मैं सब्जियों के साथ में और मैं सभी फुलवाड़ी का भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखती हूँ, लगा के रखती हूँ। ये देखिए जेड प्लांट है, ये जेड प्लांट है, बहुत ही सुंदर लगता है गाइस अपने आप में ये। ये देखिए, ये देखिए साग मेरा हो रहा है। मूली यहाँ पे लग रही है, नीचे यहाँ पे मूली लग रही है, ये देख सकते हैं। और देखो करेले की बेल कितनी लंबी हो रही है। ये देखिए, ये पोट है एक, ये देखिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, बीच में देखिए गलहारा है, जो कि गलियारा है, और साइडों में हमारी सब्जी सब्जी है और आती रहती है हर रोज़। और इस साइड में भी हमारी सब्जी सब्जी है जो आती रहती है रोज़। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि हमारे टमाटर भी आने स्टार्ट हो गए हैं, और मूली हमने यहाँ भी डाली थी, मूली हो रही हैं। और देखो एक सब्जी हमारी, ये अरवी के पत्ते हो रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे अरवी के पत्ते हमारे हो रहे हैं। देखिए बारिश हर रोज़ पड़ रही है और बारिश में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। मकड़ी भी अपना जाल बनाए हैं, देखिए ये देखिए। और यहाँ पे अमरूद भी आ रहे हैं हमारे, 8 अमरूद में से देखिए एक अमरूद दिख रहा है अभी, एक अमरूद बनने लग रहा है, नीचे लग रहा है, ये देख सकते हैं, ये देखिए। और बाकी के ये देख सकते हैं, ये टूट के गिर गए हैं क्योंकि बारिश में फ्लावर्स गल गया। ये देखिए भिंडी का जो फ्लावर्स होता है काफी सुंदर लगता है, और भिंडी भी हमारी लग रही है, काफ़ी सारी भिंडी लग रही है हमारी।
यहाँ पे भी हमने एक टमाटर का पेड़ कैरी कर दिया है और यहाँ पे हमारी गोभी बननी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए गोभी पे बहुत जल्दी कीटाणु लग जाता है और मौनसून में तो बहुत ज़्यादा, यानी कि चौमासे में या फिर सर्दी हो सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा लगता है। किस चीज़ से जाता है मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे देखिए हमारे कद्दू लग रहे हैं, घिया, ये घिया वाले कद्दू लग रहे हैं गाइस। तो ये देखिए यहाँ पे है हमारी शिमला मिर्च पे जो फ्लावर्स आ रहा है। यहाँ पे भी मैंने देखी, ये फुलवाड़ी है, मैं फुलवाड़ी भी लगा के रखती हूँ। ये देखिए इस प्रकार के गट्टे में मैं सब्जी लगाती हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे हमारे गोल वाले घिया लग रहे हैं। देखिए ये गोल वाले घिया हैं, जो कि ये बहुत महंगे मिलते हैं और ये सस्ते नहीं मिलते हैं। मैं दूर से दिखा रही हूँ और ये 2 दिन के बाद हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। अंगूर की बेल मेरी कलम ग्राफ्टिंग से बिल्कुल तैयार है और आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, मैं कोई आपसे पैसे नहीं लूँगी, बस आप मुझे प्यारे से कमेंट कीजिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं, और टमाटर पे भी, और यहाँ पे भी 2 गोभी हैं और एक एक ही पॉट में करेले की बेल है और हमारे अरवी के पत्ते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी सारी भिंडी हमारी लग रही हैं। तो अपनी साइड पे देखिए कल और आज में कहीं मतलब बारिश की वजह से आई नहीं थी, तो यहाँ से बंदरों ने भी तोड़ी हैं, फिर भी देखो लग रही हैं। भिंडी तो हर रोज़ आती रहती हैं। तो इस प्रकार से फ़ायदेमंद वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें दोस्तों, और फ्री देखने के लिए सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन की घंटी प्रेस करें। और मैं मशरूम के बारे में भी सोचने वाली हूँ, क्योंकि सब्जियों के नीचे मशरूम भी हो जाती है। तो देखते रहना, आप मुझसे जुड़े रहना, कमेंट करते रहना मुझे प्यारा सा कि आपको दूसरी वीडियो किस चीज़ के ऊपर देखनी है, ये तो आपको बताना होगा, तभी तो मैं डालूंगी गाइस। तो ये देखिए इधर की साइड को चलती है सारी की सारी बेल, इधर को नहीं चलती। देखिए मैं कह रही हूँ कि इधर को, इधर के साइड में चलिए, तो इधर को नहीं चलती है, इधर को चलती हैं। ये देखिए